मदद की उनकी। जानते हैं कि किस तरह इसको मैनेज करना है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक मियां साहब अरेस्ट नहीं होना चाहते, और अगर वो अरेस्ट हुए भी तो एक बात याद रखिएगा, इसका फायदा सिर्फ मियां नवाज शरीफ को होगा, किसी और को नहीं होगा। मज़लूमियत का एक कार्ड अब मियां साहब के हाथ लग गया, बेशक बेशक, और ये कार्ड उनके हाथ में दिया है सारी उस अपोजिशन ने जिसने मियां साहब का एहतसाब करवाया और किसी और का नहीं करवाया।